सबसे व्यापारियों ने लगाई क्षेत्रीय एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर से गुहार। नगर पालिका परिषद चरखारी में पालिका परिषद के द्वारा आवंटित सब्जी के दुकानदारों को 15 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का नोटिस दिया तो व्यापारियों के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई और सब्जी व्यापारियों ने इकट्ठा होकर एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर से गुहार लगाई थी। कहीं पर एक पॉइंट या सेल लोग और ताकि ये लोग वहाँ पे जो जो लोग नगर पालिका के दुकानदार हैं तो वहाँ पे लोग अलॉट में तो यहाँ पे जो है ये भी हो जाए पुंजीकरण का और इनको भी कोई दिक्कत ना। हम लोग खाली कर देंगे ठीक है। ठीक 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 है। और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग काम करिए गिरफ्तार होना है। अब कहीं कोई बाहर आहर नहीं है। अभी यहाँ पे बढ़िया कहीं आसपास बढ़िया बस स्टैंड भी बनेगा और भी कहाँ तो सब चीजें। हम लोग दुकानें खाली करने को तैयार हैं परंतु हमको स्थायी तौर पर फिर से दुकानें आवंटित की जाएं जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे और हमारे परिवार के लोगों को भूखों मरने की नौबत ना आए। सब्जी व्यापारियों का दर्द देख विधायक जितेंद्र सिंह सेंगर उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोगों के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है तब कहीं जाकर सब्जी व्यापारियों ने राहत की सांस ली। हालांकि इससे पहले भी पालिका प्रशासन व्यापारियों पर मनमानी और तानाशाही रवैया दिखा चुका है जिससे पार्टीजनों के साथ को बट्टा लगा। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों को चाहिए कि व्यापारियों के विरोध हो रही मनमानी पर ध्यान देते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण यथाशीघ्र ही करें क्योंकि रेडी ठिया बालू को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 10,000 का लोन दिया गया था। ऐसे में यदि रोज इन छोटे दुकानदारों पर पालिका प्रशासन चाबुक का तो यह छोटे व्यापारी लोन ली गई रकम को कैसे अदा कर पाएंगे यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर जनप्रतिनिधि प्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता भी है। सर क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। आज आप यहाँ पर किस लिए आए थे, क्या शिकायत को लेकर? ये नगर पालिका ने दुकान खाली करने के नोटिस दिए हैं बिना हम लोगों को किसी दूसरी अन्य जगह पे व्यवस्था की है। या तो हम लोगों की पुनः कहीं नई व्यवस्था कर दें या फिर अब तक जब तक नहीं हो पा रही व्यवस्था तब तक हम लोगों को यहाँ से हटाया ना जाए। आपकी दुकानें कहाँ पर स्थित हैं? गोलाघाट में मंडी में। अच्छा, बुद्ध बाजार नगर पालिका से अवंटेड। तो अभी तक नगर पालिका से कहीं और के लिए आपको कहा गया है क्या? नहीं कहा गया, कोई स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डायरेक्ट सीधे नोटिस दे दिया है 15 दिन के लिए। हम लोगों को कह दिया कि खाली कर दीजिए। अभी हम लोगों को स्थायी जगह देने की कोई बात नहीं करी है उनने। अब उनको SDM साहब को हम लोग एक ज्ञापन और देने जा रहे हैं कि हमें कोई स्थायी जगह देने का कृपया करें। अच्छा, जैसे कि आप अभी यहाँ पर आए थे तो सर ने क्या आश्वासन दिया है आपको? सर ने अच्छा आश्वासन दिया कि आपकी व्यवस्था करी जाएगी और हम जो भी होता है बात भी की है और अपना साथ हम लोगों को सहयोग दिया है। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।